हेलो गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज हम लोग आपके सामने जो खबर लेके आए हैं ये काफी ज्यादा आप लोगों को हैरान कर देगी। बताया जा रहा है कि जब मरीजों की तबीयत बिगड़ी और उनको ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जरूरत थी, तब वो मरीज जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, आखिरकार वहां के डॉक्टर का क्या कहना है और वहां के विधायक भी काफी ज्यादा सरकार से अपील कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर और बेड्स की ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट की जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शाहजहांपुर से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि वहां के कुछ मरीज जो हैं उनको सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी और वो हॉस्पिटल गए और उन्होंने बोला कि उनका कोविड का टेस्ट करना चाहिए और उनको शायद कोरोना हो चुका है। और जब टेस्ट किया गया तब टेस्ट के बाद उनका टेस्ट नेगेटिव आया, पर उनको सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वहां पर उनको ना तो एडमिट किया गया और ना तो उनको यही बात बोल दी गई कि वो वापस घर पे जाए, उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है। पर उन लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी। कुछ लोगों ने उनको बताया था कि जो एक्चुअली में पीपल का पेड़ होता है वो काफी ज्यादा ऑक्सीजन देता है, तो ये मरीज जो है वो सीधा पीपल के पेड़ के नीचे जाके लेट गए और वहां पर 3-4 दिन हो गए और उनका कहना ये है कि उनको जब से वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठी है तब से उनको सांस लेने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रही है। और वहां पर डॉक्टर से जब पता किया गया तब डॉक्टर ने ये चीज बताया कि हाँ, पीपल के पेड़ के पास ऑक्सीजन काफी ज्यादा रहती है और वातावरण काफी ज्यादा साफ रहता है और ठंडी हवा रहती है जिसके कारण किसी को भी सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए उनको ऐसा नहीं हो रहा है। और जब वहां के विधायक रोशन लाल को पता चला इसके बारे में तब वो भी वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे जाके बैठे और उन्होंने उन मरीजों से बात की और उसी दौरान ही वहां पर अपील की है सरकार को कि अगर कोविड के पेशेंट और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा अरेंजमेंट होने चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।